नमस्कार। आज है 12 अक्टूबर सन 2024 शनिवार। दोस्तों, सर्वप्रथम अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरा देश दशहरा बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं अपने चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने साल 2024-25 के लिए ग्लोबल सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान घटाकर 428.92 मिलियन टन करने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि पसंद आए तो साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी चैनल शो को शेयर कीजिए। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने साल 2024-25 के लिए ग्लोबल सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान घटाकर 428.92 मिलियन टन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले ये 429.20 मिलियन टन की तुलना में अब 428.92 मिलियन टन हुआ है। वैश्विक 2024-25 सोयाबीन के निर्यात 0.1 मिलियन टन कम होकर 181.5 मिलियन टन रहने की भी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन के लिए निर्यात, थाईलैंड के लिए सोयाबीन का आयात और क्रश कम हो गया है। ग्लोबल सोयाबीन का अंतिम स्टॉक 0.1 मिलियन टन से बढ़कर 134.6 मिलियन टन होने के भी समाचार मिल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण चीन, अर्जेंटीना और ब्राजील के लिए में स्टॉक बढ़ा है, जो ज़्यादातर यूक्रेन, टर्की और ईरान के लिए कम स्टॉक भी बताया जा रहा है। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन 4.6 बिलियन बुशल होने का अनुमान है, जो कि कम पैदावार के कारण 4 मिलियन बुशल का कम है, यानी 4.6 बिलियन बुशेल का अनुमान है, जो पिछला अनुमान से 4 मिलियन बुशेल कम है। इसका प्रमुख कारण कटाई वाला जो क्षेत्र है वो 86.3 मिलियन एकड़ पर में अनचेंज है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है, और सोयाबीन की पैदावार प्रति एकड़ 53.1 बुशेल होने का अनुमान है, जो सितंबर के पूर्व अनुमान से 0.1 बुशेल कम है, यानी मिली जो बिजाई का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पर एकड़ पैदावार कम होने से ये परिवर्तन देखा गया है। कम उत्पादन के कारण आंशिक रूप से थोड़े अधिक शुरुआती स्टॉक की भरपाई हो गई है और आपूर्ति लगभग 2.0 मिलियन बुशेल कम होकर 4.9 बिलियन हो गई है। थोड़ा कम अवशेष और निर्यात और क्रश में कोई बदलाव नहीं होने के कारण अंतिम स्टॉक पिछले महीने से 550 मिलियन बुशेल पर अनचेंज है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गौरतलब है साल 2024-25 के लिए अमेरिकन सीजन औसत सोयाबीन की कीमत 10.80 डॉलर प्रति बुशेल पर अनचेंज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सोयाबीन खली और सोया तेल की कीमतें भी 320 डॉलर प्रति शॉर्ट टन और 42 सेंट प्रति टन पर कोई चेंज नहीं दिखाया गया है। साल 2024-25 के लिए अमेरिकन ऑयलसीड यानी तिलहन का उत्पादन 134.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले महीने से 0.3 मिलियन कम है। सोयाबीन, बिनोला, मूंगफली, सन और सूरजमुखी के बीज के में कम उत्पादन से आंशिक रूप से उच्च कैनोला उत्पादन की भरपाई मानी जाती है। वैश्विक रूप में देखा जाए तो 2024-25 तिलहन उत्पादन 0.2 मिलियन टन बढ़कर 552.9 मिलियन टन हो गया है। साथ साथ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि इस भारत के अंदर सोयाबीन की फसल मंडियों के अंदर अब आने लगी है। कुल मिलाकर अभी ग्लोबल लेवल पर सोयाबीन की कोई बहुत बड़ी कमी नज़र नहीं आ रही है और मामूली उत्पादन के अंदर मंथ टू मंथ जो रिपोर्ट्स हैं उसको हम अपडेट करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे। साल 2023 में भी आपको सितंबर मंथ के अंदर अपडेट दिया था कि अक्टूबर 2023 के अंदर खाद्य तेलों में शानदार तेजी की उम्मीद बन सकती है। वैसा ही कुछ देखने को मिला। अक्टूबर महीने के अंदर शानदार खाद्य तेलों में तेजी रही, चाहे वो सोयाबीन हो, पाम तेल हो या फिर सरसों। इसके अतिरिक्त हमने आपको साल 2024 में भी सार्वजनिक रूप से
मोपा के अधिवेशन के में बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मार्च का महीना खाद्य तेलों के लिए तेजी का रहेगा, जबकि सरसों की फसल शानदार तरीके से उपलब्ध हो रही थी। मार्च 2024 के अंदर एक तरफा तेजी देखी गई थी। इसके बाद साल 2024 के अंदर अगस्त महीने के अंदर हमारा अग्रिम विश्लेषण सितंबर मंथ खाद्य तेलों के लिए शानदार तेजी का ला सकता है। वैसा ही देखने को मिला, एक तरफा तेजी देखी गई और सितंबर के मध्य के अंदर सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का भी फैसला खाद्य तेलों के पक्ष में गया था, लेकिन इसका पूर्वानुमान हमने अगस्त के अंदर तेजी के रूप में दिया था। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण और विश्लेषण से कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आपको अग्रिम विश्लेषण मिले, अग्रिम जानकारियां मिले, तब आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। अन्यथा होता यह है कि आप तेजी के जब तेजी आ जाती है तो अधिक तेजी की आज के अंदर सुपर दुपर तेजी के लिए आप बड़ी मात्रा में माल खरीदना स्टॉक करना चलते हैं, उसके बाद करेक्शन आता है, उसके बाद आपको परेशानी होती है। निचले स्तर पे कोई माल खरीदना नहीं चाहता और उसको मंदी नज़र आती है, लेकिन तेजी के अंदर हर व्यापारी माल खरीदने की सोचता है और उसके बाद में उसको अक्सर परेशानियां देखने को मिलती है। दोस्तों, अब नवंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर महीना आगे तेजी के रहेंगे या मंदी के, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।